हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एन क्लास सेकेंड का चैप्टर ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम बाई हेयर ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम बाई हेयर यू ऑलवेज टेक योर टाइम यू ऑलवेज टेक सच केयर यू पुट मी टू सिट ऑन अ क्वेश्चन बिटवीन योर नीज यू रबर लिटिल कोकोनट ऑयल पार्टिंग जेंटल इज़ अ ब्रीज़ तो फिर जो एक बच्ची होती है वो अपनी ग्रैनी मतलब अपनी दादी माँ से कह रही होती है कि दादी माँ दादी माँ प्लीज़ जो मेरे बाल हैं उनमें आप कंघी कर दीजिए हेयर का मतलब होता है बाल और कॉम का मतलब होता है कंघी आप क्या करते हैं कि आप हमेशा जो टाइम है उसका ख्याल रखते हैं और मेरा और मेरा भी बहुत ध्यान रखते हैं केयर का मतलब होता है ध्यान रखना यू पुट मी टू सिट ऑन अ क्वेश्चन आप मुझसे आप मुझे, मुझे क्वेश्चन पे बैठाती हैं अपने पैरों के बीच में और मेरे बालों में नारियल का तेल लगाती हैं बहुत ही आराम आराम से ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड वेन यू आर फिनिश यू ऑलवेज़ टर्न माई हैड एंड से नाउ नाइस गर्ल फिर वो जो बच्ची है वो कहती है ग्रैनी आपके पास बहुत सारा टाइम है और जब भी आप मेरे को तेल लगाना फिनिश कर देती हैं पूरा कर देती हैं आप जो है मेरा सर अपनी ओर घुमाती हैं और कहती हैं कि बताओ अच्छी बच्ची कौन है तो हमने कौन से इसमें नए वर्ड सीखे हमने इसमें सीखा केयर केयर मतलब होता है ख्याल रखना कुशन का मतलब होता है गद्दी जैसे होती है ना हमारे सोफा के क्वेश्चन होते हैं जो पीछे लगे होते हैं सोफ़ा में वो क्वेश्चन होते हैं नीस का मतलब होता है घुटने जेंटल का मतलब होता है आराम से ब्रीज़ का मतलब होता है बहना वर्ड दुनिया नाइस बहुत अच्छा अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं वॉट डज द लिटिल गर्ल वॉन्ट हर नैनी टू डू तो इसका आंसर होगा हमें यहाँ पे मिलता है द लिटिल गर्ल वॉन्ट्स द ग्रैनी टू कॉम हर हेयर वॉट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर ग्रैनी रब कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर डज द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी यस द लिटिल गर्ल लव्ड हर ग्रैनी तो नेक्स्ट हमारे और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है कौन सी एक्सरसाइज है इसमें हमें क्या करना है कि मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ग्रैंड पेरेंट्स हाँ तो आप ये ग्रैंड पेरेंट्स में से आप कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है रेंट का तो हम एक बना सकते हैं ग्रैंड बना सकते हैं और इसमें पेरेंट्स बना सकते हैं और इसमें हम लोग बना सकते हैं पैंट्स भी बना सकते हैं इसमें और इसमें से हम बना सकते हैं क्या क्या रेंट uh, बना रखा है इन्होंने और हम इसमें से टेंट भी बना सकते हैं एंड बना सकते हैं इसमें से तो इसमें से काफ़ी सारे वर्ड्स और इसी टाइप के हम बना सकते हैं अब हमारा नेक्स्ट इसमें क्या है हाँ ये जो एट आई ही शी माई यू ये जो है हमें इसमें फिल करने हैं मीना इज़ प्लेइंग विद अ बॉल फिर डैश इज़ अ गर्ल शी इज़ अ गर्ल गर्ल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शी राम इज़ क्लाइंबिंग अ ट्री ही इज़ अ बॉय बॉय के लिए हम ही यूज़ करते हैं डू नॉट ईट दैट मैंगो डैश इज़ नॉट राइट तो उसके लिए मैंगो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इट तो देखिए जो लिविंग बींग्स होते हैं जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स हम लिविंग बींग्स हैं तो लिविंग बींग में अगर कोई लड़का होता है तो उसमें इंग्लिश में हम करते हैं यूज़ ही और लड़की के लिए शी और जैसे जो फ्रूट्स होते हैं और हमारे फर्नीचर जैसे चेयर टेबल जैसे बुक पेन इन सब चीज़ों के लिए हम इट यूज़ करते हैं तो ये वाले हमारे हो गए अब ए एन दा हम लोग ए एन दा किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ए जो है हमारा जो हमारे वॉबल और कॉन्सोनेंट्स पढ़े होंगे आपने तो एन हमारे वॉबल्स के आगे लगता है ए ई आई ओ यू के और बाकी जो ए है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट के और द जनरली उन चीज़ों के आगे लगता है जो कि दोबारा सेंटेंस पर रिपीट हुई होती हैं इसके काफ़ी सारे रूल्स हैं वो तो और हमारा चैप्टर यहाँ पे हो गया कंप्लीट तो थैंक यू सो मच कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच